हेलो एवरीबॉडी, तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हैं और इसकी पहचान है कि क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी। जैसे जाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहूंगा, आता रहूंगा, जाता रहूंगा, सोता रहूंगा, करता रहूंगा, लेता रहूंगा, देता रहूंगा, आते रहेंगे, लेते रहेंगे, करते रहेंगे, देते रहेंगे वगैरह। ऐसे वाक्यों में कोई टेंशन नहीं है, बस सब्जेक्ट दे दो, सेल विल लगा करके, और सेल विल लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बी देंगे। कंटिन्यूअस मोशन में है तो सेल या विल के साथ बी, अब प्लस जब ये कंटिन्यूअस है तो वी फो प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँगा, आई सेल वी टीचिंग यू, तुम मुझसे प्यार करते रहोगे, यू विल बी लविंग मी, मैं विदेश जाता रहूंगा, आई शैल बी गोइंग अब्रोड। गो के साथ टू अब्रोड में नहीं लगता, होम में अक्सर, ठीक ना। अब्रोड शब्द का जब प्रयोग किया जाएगा उसके देश का नाम तब लगा सकते हैं, अमेरिका लंदन तब लगेगा, लेकिन अब्रोड में नहीं, ए बी आर ओ आई डी, अब्रोड में विदेश। तो आप देखोगे जब भी क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य कहा जाता है, एवं इसका अनुवाद इस नियम से किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वी फो प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह मुस्कुराती रहेगी, अब देखोगे मेरे बच्चे वह मुस्कुराती रहेगी तो क्या हो जाएगा, सी विल बी स्माइलिंग। रानी दौड़ती रहेगी, रानी विल बी रनिंग, मैं तेरे लिए फूल तोड़ता रहूंगा, आई शैल बी प्लकिंग फ्लावर्स फॉर यू। अब रानी पानी पीती रहेगी, रानी विल बी अ ड्रिंकिंग पानी, ए डी आ आई एन है, आई समझ जाओगे ना, ड्रिंकिंग पानी का वाटर। राजा गिटार बजाता रहेगा, राजा playing the guitar। इतने इतने वाक में मान लो नोट लगा देंगे, अपने आप निगेटिव हो जाएगा। जैसे वह मुस्कुराती रहेगी, she will be smiling, वह नहीं मुस्कुराती रहेगी, she will not be smiling। क्या वह मुस्कुराती रहेगी, will she be smiling, क्या वह नहीं मुस्कुराती रहेगी, will she not be smiling। वह क्यों मुस्कुराती रहेगी, डब्ल्यू एच जोड़ दो, why will she be smiling। पांचों फॉर्म छह फॉर्म बनाओ, धड़ल्ले बोलो, प्रैक्टिस करो। मैं गरीबों की मदद करता रहूंगा, अब मैं है ना, तो मैं का आय होगा, आय के साथ हम लोग सेल भी लगाएंगे, बी फॉर्म में हेल्प का हेल्पिंग हो जाएगा, अदा पुआ। वह पंखा घूमता रहेगा, डेट फैन विल बी मूविंग। अर्जुन मुंडा विल बी डिलीवर स्पीच, गिव स्पीच भी बोल चाल में कर लेता है लोग, लेकिन स्पीच मुख्य रूप से मुंह से बोला जाता है, खोला जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो डिलीवर स्पीच भाषण देना, ठीक ना। एन राहुल रोजी को गाली देता रहेगा, राहुल विल बी एब्यूजिंग रोजी, नाम है, ऑब्जेक्ट हो गया, रोज मीन्स गुलाब, रोजी माने गुलाबी। आगे देखो बाबू, नाइन सेंटेंस को हमने उड़ाया,
देखो अब 10, 11, 12 भी है, क्यों नहीं होएगा? तुम पटना में अंडे बेचते रहोगी, अब तुम रहेगा या रहेगी दोनों में यूए होगा, एओ के साथ व्हील लगेगा, बी सेलिंग एग्स इन पटना, महानगर नहीं था तो एट पटना, लेकिन महानगर बन गया ना, अटल जी विदेश जाते रहेंगे, अटल जी विल बी गोइंग, देखो अब्रोड, ए बी आ ओ ए डी, अब्रोड मैंने विदेश यानी फॉरेन कंट्री, वह बाघ एवं शेर को गोली मारता रहेगा, ही विल बी शूटिंग द टाइगर एंड द लायन। अब इसे नोट लगा लो, निगेटिव, जैसे वह नहीं मुस्कुराती रहेगी, खुद भी बना सकते हो, सी विल नॉट बी स्माइलिंग, रानी नहीं दौड़ती रहेगी, रानी विल नॉट बी रनिंग। इस तरह से मेरे बच्चे सभी में नोट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा, बोलो भारी है नहीं ना, तो जल्दी जल्दी में आज हम बना रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड रखना होगा क्योंकि मुझे अगली क्लास भी आज ऑनलाइन लेनी है, देखते रहो। हाँ, मैं तेरे लिए फूल नहीं तोड़ता रहूँगा, अब नहीं तोड़ता रहूँगा तो क्या कर लोगे, ठीक ना, आई नोट लगा दोगे, आई शैल नॉट बी, इन जो बी के बाद नोट लगा दें सर जी, नहीं नोट तुरंत बाद, प्लकिंग फ्लावर्स फॉर यू, रानी पानी पीती नहीं रहेगी, क्या हुआ मुस्कुराती रहेगी, बस सेल विल पहले कर दो, इन्हें व्हाट लगा देना, विल सी बी स्माइलिंग, क्या रानी दौड़ती रहेगी, विल रानी बी रनिंग, क्या मैं तेरे लिए फूल तोड़ता रहूंगा, Shall I be plucking flowers for you? देख लो एक मिनट जल्दी से, और इसी में हम नहीं लगाते तो आगे से नॉट लगा देते, जैसे मान लो वो शिल नॉट बी स्माइलिंग, क्या वह नहीं मुस्कुराती रहेगी, राइट, कोई दिक्कत, बिल्कुल टाइट करके देखो, थोड़ा सा स्लिप कर जाएगा ना तो बेगिंग बिगनिंग हो जाएगा, ठीक ना, ठीक से देखते रहोगे, क्या रानी पानी पीती रहेगी, तो आराम आराम से देखो, वेल रानी बी ड्रिंकिंग वाटर, है ना। अब हम लोग देखेंगे बाबू, इसे में नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, जैसे क्या हुआ नहीं मुस्कुराती रहेगी, तो विल सी नॉट बी स्माइलिंग, क्या रानी नहीं दौड़ती रहेगी, विल रानी
नॉट बी रनिंग। अब हम लोग देखता है कुछ नहीं है, बस नॉट लगाया है और कछु किया नहीं है। इसको बनाने के बाद डब्ल्यू एच जोड़ना होगा तो कोई सहायक क्रिया के पहले ही डब्ल्यू एच जोड़ते हैं। डब्ल्यू एच नॉट होगा तो नॉट लगेगा, नॉट नहीं होगा तो नॉट नहीं लगेगा। जैसे रानी क्यों मुस्कुराती रहेगी, वाई विल रानी बी स्माइलिंग। आप कैसे पढ़ाते रहेंगे, हाउ विल यू बी टीचिंग। इस तरह से हम लोग पहले इंट्रोगेटिव निगेटिव की ओर आएंगे। इससे पहले कुछ और वाक देखते हैं, कंप्यूटर जी डालते हैं कि नहीं। डाल दिए ना, दो देखते हो। क्या मैं तेरे लिए फूल तोड़ता रहूंगा, सेल आई भी नहीं तोड़ता रहूंगा, सेल आई नॉट बी। इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना, पल्किंग फ्लावर्स। क्या रानी पानी नहीं पीती रहेगी, वेल रानी नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। आई है पर था गर्म पानी तो हॉट वाटर, हॉट नहीं पूरता है पीता है, थोड़ा हल्का सुसुम पीता तो ल्यूक वार्म वाटर। वार्म मने गर्म होता है, ल्यूक वार्म मने हल्का गर्म, गुनगुना। अब डब्ल्यू एच है, बस डब्ल्यू एच क्यों कहाँ का इंग्लिश जोड़ दो, बाकी तो सब इंट्रोगेटिव का नियम है। वह क्यों मुस्कुराती रहेगी तो वाई विल सब्जेक्ट के बाद बी आता भी फो आई एन जी। रानी कहाँ दौड़ती रहेगी, पहले हो या विल रानी बी रनिंग। तुम कैसे लिखते रहोगे, कैसे कहा हो, विल यू बी राइटिंग। कैसे लिखते रहोगे नीचे है, अभी ऊपर करेंगे, देख लो इंग्लिश। हाउ विल यू बी राइटिंग, आप कहाँ पढ़ाते रहेंगे, वेयर विल बी टीचिंग। तुम मुझसे कहाँ मिलती रहोगी, वेयर विल बी मीटिंग मी। इस तरह से हाँ मेरे बच्चे, तीन के बाद इन्हें भी जानो। हु लगाना है तो हु लगा के सेल विल लगा दो, और फिर जो स्ट्रक्चर बच गया वही हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट क्रिया। जैसे कौन मुस्कुराती रहेगी, अब कौन मुस्कुराती रहेगी तो कौन का इंग्लिश क्या होगा, हु, आहु के साथ विल दो, ठीक ना। बी जोरदार बनाना तो विल के जगह सेल, बी स्माइलिंग, विल सबके साथ लगाओ आराम से स्पोकन में, कोई दिक्कत नहीं है। कौन दौड़ती रहेगी, विल बी रनिंग। कौन किताब पढ़ता रहेगा, हु विल बी रीडिंग बुक्स, या किताबें नहीं है तो रीडिंग अ बुक। अब कौन यहाँ आता रहेगा, हु विल बी कमिंग हियर। अब डियर इसमें नॉट लगा देंगे तो हु विल नॉट बी स्माइलिंग, कौन नहीं मुस्कुराता रहेगा। हु में भी नॉट लगता है, हम आ रहा है। अब देखो इस सब में सेल का प्रयोग कम, विल के धर लेकर चल जाओ, क्योंकि सब्जेक्ट तो छुपा हुआ है ना। और शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट का ऑन्ट होता है, ध्यान दे दो, पहले दे दो हु आता विल नॉट, सब मारो बी लगा के भी फो। कौन नहीं मुस्कुराती रहेगी तो हु विल नॉट बी स्माइलिंग। कौन नहीं दौड़ता रहेगा, हु विल नॉट बी रनिंग। कौन किताब नहीं पढ़ता रहेगा, विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। इस जितने भी वाक हो सब में स्ट्रक्चर तो यही रह जाएगा, इसलिए आराम से बनाना, कोई कष्ट कभी फील नहीं करना। क्लास हो रहोगे और सारे बनाओगे, बुक्स को पढ़ोगे, और झटाझट तो घर पर भी चाहते हो तो इसको प्रैक्टिस पेपर मंगवा कर, पीडीएफ मंगवा कर रिविजन करो। बिना रिविजन के चाहोगे अच्छी डिविजन अच्छी पकड़, ना ही होगा रे बबुआ।
यह खातिर न कहते हैं एक और बना लो, है ना, कौन यहाँ नहीं आता रहेगा, ठीक ना। तो हु विल नॉट बी कमिंग हियर। अब प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मंगवा लोगे, आराम से घर पर प्रैक्टिस करो, आंसर सही देते हैं, चेक भी कर सकते हो। फिर मिलेंगे हम लोग, ऐप को डाउनलोड करना। लेकिन मेनली आप निःशुल्क कोर्स करते हो या करना चाहते हो, लाइव देखना चाहते हो, जो भी, यूट्यूब पर जुड़े रहो, बराबर फ्री गिफ्ट कुछ ना कुछ मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद, बाय।